बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज इंशाल्लाह ताला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना 9th क्लास की फिजिक्स का सेकंड लास्ट टॉपिक, एंड दिस इज अबाउट द इलास्टिसिटी एंड हुक्स लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न अबाउट द इलास्टिसिटी। स्टूडेंट, इन दिस वर्ल्ड एवरी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट दैट हैज एन एबिलिटी टू रिस्टोर इट्स शेप, इट्स साइज, इट्स लेंथ टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर डिफॉर्मिंग इट। इसी तरह से कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास इस तरह के भी अवेलेबल होते हैं कि जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट आसानी के साथ अपनी साइज को, शेप को या लेंथ को चेंज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने रबर्स देखे होंगे, रबर बैंड देखे होंगे, इसी तरह से इलास्टिक स्ट्रिप्स देखी होंगी कि बाय फोर्स जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम उसको स्ट्रेच कर लेते हैं। स्प्रिंग ले लें, स्प्रिंग को जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो स्ट्रेच होता है। अब इसके दरमियान रिलैक्सेशन भी होती है और फिर कंट्रैक्शन भी होती है। आप किसी स्प्रिंग को खींचने के बाद जैसे ही छोड़ेंगे वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर चला जाता है। तो एक्चुअली हम तो फोर्स लगा रहे थे उसकी शेप को चेंज करने के लिए, लेकिन उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये एबिलिटी मौजूद थी कि वो अपनी चेंज ऑफ शेप को दोबारा से रिस्टोर कर ले ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल लेंथ में और ओरिजिनल साइज में। इस तरह की एबिलिटी को हम नाम देते हैं इलास्टिसिटी। कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर एबिलिटी है कि वो अपने साइज को या किसी भी चीज़ को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखे, तो हम इसे नाम देते हैं इलास्टिसिटी का। अगर हम प्रॉपर इसकी डेफिनेशन की तरफ आए स्टूडेंट, तो इलास्टिसिटी की डेफिनेशन कुछ यूं है। स्टूडेंट, ये आपके पास डेफिनेशन है आपकी इलास्टिसिटी की, हम इसको एक दफा रीड आउट भी कर लेते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की ये एबिलिटी या प्रॉपर्टी टू रिस्टोर इट्स साइज, शेप और लेंथ, कि वो अपनी साइज को, शेप को या लेंथ को रिस्टोर कर ले, वापस अपनी असल हालत में ले आए टू इट्स ओरिजिनल आफ्टर डीफॉर्मिंग फोर्स सीजेस टू एक्ट। After deforming force ceases to act, student, यहाँ पर ये दो वर्ड हैं जिनको हमने अंडरस्टैंड करना है, जिसमें एक है deforming force और सेकंड है ceases to act। यहाँ पर ceases का मतलब क्या? Student, अक्सर आप लोगों ने न्यूज के अंदर ये वर्ड सुना होगा कि इंडियन बॉर्डर्स पर या पाकिस्तान बॉर्डर्स पर या अफगान बॉर्डर के ऊपर सीज फायर हुआ। सीज फायर से मुराद ये होता है कि हर कोई अपनी अपनी जिद्दोजहद और कोशिश कर रहा होता है, यानी कि एक एक्शन का दूसरा रिएक्शन मिल रहा होता है, आप किसी से बदला लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये जो जद्दोजहद और कोशिश है ना, इसको हम नाम देते हैं सीज का। तो यहाँ पर सीज के वर्ड को यूज करने का मकसद स्टूडेंट ये था कि फॉर एग्जांपल अगर हम किसी इलास्टिक या स्प्रिंग को इस तरह से स्ट्रेच कर रहे हैं तो हमारी फोर्स ये होगी कि हम उसको अपनी तरफ खींचे, लेकिन इस बॉडी की जो ओरिजिनल लेंथ थी या इलास्टिसिटी थी, ये क्या करेगी, इसकी कोशिश होगी कि ये अपने साइज या लेंथ को चेंज ना होने दे और ये वापिस उसको अपनी तरफ खींच रही होती। इसी वजह से जैसे ही हम अपनी फोर्स को खत्म करते हैं तो ऑब्जेक्ट फौरन वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर चला जाता है। सो ये जो कंडीशन है इसको हम नाम देते हैं सीजीज का। सेकंड है स्टूडेंट यहां पर डीफॉर्मिंग फोर्स। तो डीफॉर्मिंग फोर्स को भी अगर हम लर्न करें तो व्हाट डज इट मींस, सो एक्चुअली डीफॉर्मिंग फोर्स का मतलब ये है कि एक ऐसी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद उसकी साइज को, शेप को या लेंथ को चेंज कर दे। एक फोर्स है किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए यूज की जा रही है, और एक फोर्स ऐसी है कि जिसकी वजह से या जिसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को, शेप को या लेंथ को चेंज कर रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड द डीफॉर्मिंग फोर्स। हम यहां पर इसकी डेफिनेशन कुछ यूं लिखते हैं, द फोर्स, सो दिस इज कॉल्ड द डीफॉर्मिंग फोर्स। अब स्टूडेंट आपको ये अंदाजा हो गया कि एक ऑब्जेक्ट की इलास्टिसिटी है, हम उस एबिलिटी के अगेंस्ट अपनी फोर्स यानी कि डीफॉर्मिंग फोर्स लगाकर उसके साइज को, शेप को या लेंथ को इनको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तीन वर्ड खास तौर पर याद रखिएगा, मैं यहाँ पर फिर इनको मेंशन कर देता हूँ स्टूडेंट, साइज को, शेप को या लेंथ को। मोस्टली किसी भी चीज़ के अंदर अगर कोई चेंज आता है तो वो मोस्टली इसी से रेलेवेंट होता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट अगर हमने डीफॉर्मिंग फोर्स को कंसिडर कर लिया तो इसके बाद हमारे पास कुछ नई टर्म्स आती हैं, यानी कि फोर्स से क्या बनता है। लास्ट टाइम हम लोगों ने ये वर्ड अंडरस्टैंड किया था प्रेशर, और प्रेशर की अगर हम बात करें स्टूडेंट तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर पी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं साइज, शेप या लेंथ को चेंज करने के लिए फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और फोर्स जो है वो यूनिट एरिया पर लग रही है, तो स्टूडेंट इसको हम नाम देते थे प्रेशर का। लेकिन इस कंडीशन में, इलास्टिसिटी की कंडीशंस के अंदर, हमने इसका नाम चेंज करके
प्रेशर की जगह पर रख दिया है स्ट्रेस, यानी कि ये भी वो फोर्स है जो कि यूनिट एरिया पर लग रही है। तो इनडायरेक्टली अब आपके पास नाम चेंज क्या हो गया, प्रेशर को हम स्ट्रेस भी कह सकते हैं और स्ट्रेस को प्रेशर भी कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, स्ट्रेस करता क्या है स्टूडेंट? स्ट्रेस का मतलब है कि फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट एरिया, सेम डेफिनेशन स्ट्रेस की और प्रेशर की एज इट इज रेडी, हम मेंशन कर लेते हैं। अच्छा, एक पॉइंट अगर आपको याद हो स्टूडेंट, तो प्रेशर की डेफिनेशन को जब हमने डिस्कस किया था तो उस वक्त मैंने एक कीवर्ड आपको बताया था कि ये आपने लाजमी तौर पर याद रखना है, वो क्या था कि द फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट नॉर्मली, कि जो फोर्स लग रही है वो 90 डिग्री के एंगल पर नॉर्मली लगेगी, तो स्ट्रेस के लिए भी वही कंडीशन रहेगी। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस की वजह से, या आप ये कंसीडर कर लें कि मेरे पास एक स्प्रिंग था, अब स्प्रिंग जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में है और मैं बाय फोर्स 90 डिग्री एंगल पर जो है वो फोर्स अप्लाई करके उस प्रेशर से जो स्प्रिंग है उसको स्ट्रेस करने की, उसको कंट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही मैं ये करूँगा तो स्टूडेंट अब देखिए कि आपके पास जो स्प्रिंग है उसकी साइज या लेंथ जो है वो शॉर्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर आपके पास कोई सॉफ्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है जैसे कि फॉर्म, तो फॉर्म के ऊपर भी अगर आप फोर्स लगाएंगे तो बाय फोर्स क्या होगा कि उसका साइज या शेप या लेंथ जो है वो चेंज हो सकती है। तो ये जो फोर्स आप लगा रहे थे यूनिट एरिया के ऊपर उसकी अंदर चेंजेस को लाने के लिए, दैट दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेस। अच्छा, अब ये देखें कि स्ट्रेस का कॉज क्या है। जैसे ही हमने किसी ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस अप्लाई किया तो हमारे पास चेंजेस आए, चेंजेस क्या थे, साइज का, शेप का या लेंथ का। अब ये पॉइंट याद रखिएगा। लेकिन इससे पहले स्टूडेंट के हम नेक्स्ट पॉइंट को कंसीडर करें, हमें पहले इसके यूनिट की तरफ भी आना पड़ेगा। स्टूडेंट प्रेशर का जो यूनिट था सेम वही यूनिट हमारे पास स्ट्रेस का रहेगा, एंड द यूनिट फॉर द स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब आते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट की तरफ स्टूडेंट। सेकंड पॉइंट इज चेंज, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल पोजीशन में अगर कोई चेंज आता है तो इस चेंज को अब हमने नाम दिया स्टूडेंट, नाउ दिस इज कॉल्ड स्ट्रेन। अब स्ट्रेन यानी कि चेंज किस तरह का हो सकता है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, साइज का, शेप का या लेंथ का, तीन तरह के हमारे पास चेंज आते हैं। तो कोई भी चेंज हो तीनों में से, ऑल दीज काइंड ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड स्ट्रेन। सो हम यहां पर इसकी डेफिनेशन को फिर यूं एज्यूम कर सकते हैं, द चेंज ऑफ साइज, शेप और लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉजेस ड्यू टू स्ट्रेस। ये पॉइंट लिखना जरूरी है कि ये चेंज नेचुरल नहीं होना चाहिए, ये चेंज हमारी वजह से, यानी कि बाय द फोर्स, बाय स्ट्रेस जो है ये आया, तो फिर हम इसको नाम देंगे स्ट्रेन का, इज कॉल्ड स्ट्रेन। अब ये देख लें, फिर इस पॉइंट को याद रखेगा, साइज, शेप और लेंथ के चेंज आ रहा है इनके अंदर, किस वजह से आ रहा है, स्ट्रेस की वजह से, तो स्ट्रेस की वजह से क्या आ रहा है, स्ट्रेन आ रहा है, तो ये एक डायरेक्टली रिलेशन है इनके दरमियान। अच्छा, अब हमने ये भी डिस्कस करना है नेक्स्ट पॉइंट्स के अंदर कि हमारे पास फॉर एग्जांपल कि कितना स्ट्रेस अप्लाई करने से कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा ऑब्जेक्ट के अंदर, इसकी तरफ भी आते हैं। लेकिन स्टूडेंट यहां पर एक पॉइंट याद रखिएगा, हमने स्ट्रेन को तो डिस्कस कर लिया, ये नॉर्मल कंसिडरेशन थी, लेकिन यहां पर एक स्पेसिफिक कंसिडरेशन भी है। स्पेसिफिक कंसिडरेशन से मुराद ये है कि हमारे पास एक और डेफिनेशन बनती है, एंड इट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। अब ये क्या चीज है, स्ट्रेन को तो हमने कंसीडर कर लिया था चेंज, और चेंज तीन तरह के हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये एक खास तरह का स्ट्रेन है, यानी कि खास तरह का चेंज है। वो खास तरह का कौन सा है स्टूडेंट, एक्चुअली हमारे पास ये जो थ्री टाइप्स के चेंजेस थे, साइज का, शेप का या लेंथ का, इन तीनों में से हम एक को स्पेसिफाई कर देते हैं और वो है स्टूडेंट लेंथ। अब इसका मतलब ये है कि टेंसाइल स्ट्रेन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ स्ट्रेन, बट इट इज स्पेसिफाइड विद अ स्पेसिफिक वर्ड कॉल्ड लेंथ। मीन्स दैट इफ दे विल बी अ चेंज इन द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देन द स्ट्रेन इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन।
इज इट क्लियर? इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज आ जाए, द चेंज ऑफ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू स्ट्रेस एंड दिस इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। अच्छा अब ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक कंफ्यूजन भी क्रिएट होती है मोस्टली, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि क्या टेंसाइल स्ट्रेन को हम सिंपल स्ट्रेन कह सकते हैं या नहीं, तो स्टूडेंट इसका आंसर ये है कि बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेन में भी हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि बाय स्ट्रेस हमारे पास क्या हो रहा है कि थ्री टाइप्स के चेंजेस आ रहे हैं, साइज शेप या लेंथ का। लेकिन अगर हमने लेंथ को स्पेसिफाई कर दिया तब भी तो वो स्ट्रेन ही है, चेंज ही है, तो इसलिए हमने उसको एक अलग नाम दिया टेंसाइल स्ट्रेन का, लेकिन वो फिर भी स्ट्रेस या स्ट्रेन का पार्ट ही कंसिडर होगा। अच्छा इसी तरह स्टूडेंट लास्ट पॉइंट और टॉपिक को अगर हम देखें तो वो है हमारे पास हुक्स लॉ। स्टूडेंट्स हुक्स लॉ क्या है? हुक्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वैलिड है हमारे पास यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर, जहां पे हम लोग इलास्टिसिटी को और स्ट्रेस और स्ट्रेन के कंसिडरेशन को जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं। वो इस वजह से कि जैसे अभी यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर मैंने ये किया था कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पास स्ट्रेन आ रहा है यानी कि चेंज आ रहा है बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रेस, यानी कि आपने अगर प्रेशर अप्लाई किया या फोर्स अप्लाई की तो चेंज आएगा, लेकिन ये पॉइंट भी तो याद रखना ना हमने कि कितनी फोर्स लगाने से कितना चेंज लेकर आ रहा है, क्योंकि हर जगह पर हमें अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज चाहिए। तो अगर फॉर एग्जाम्पल कि मैंने इतना चेंज लेकर आना है तो मुझे फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी, 5 न्यूटन और 10 न्यूटन। अगर मैं इतना ज्यादा चेंज लाना चाहता हूं तो इट माइट बी पॉसिबल कि आई नीड 20 न्यूटन फोर्स और 30 पास्कल्स ऑफ प्रेशर। सो इस तरह की कंसिडरेशन हमारे पास आ सकती है। अच्छा हुक्स लॉ ने हमें यहीं पर हेल्प की थी, हुक्स लॉ ने हमें एक लॉ डिफाइन कर दिया एंड इट डिस्क्राइब्स एज स्ट्रेस is directly proportional to strain, and this is very simple and very important. Stress is directly proportional to strain, यानी कि जितना ज्यादा stress apply करोगे उतना ज्यादा strain या change produce होगा, and simply we can define the Hooke's law as stress is directly proportional to the strain produced in our body due to stress. अच्छा अगर यहां पर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को स्टूडेंट खत्म करें तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को खत्म करने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं एंड वी कॉल इट एज फॉर एग्जांपल एच, आपके या कोई भी और वर्ड जो है वो यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने अगर एच कंसिडर कर लिया तो अब मेरे पास फॉर्मूला क्या बन गया, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन एंड इट इज इक्वल टू एच विच इज हुक्स लॉ। अब आप यहां से सेकंड डेफिनेशन भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज कॉल्ड हुक्स लॉ। तो आपके पास दो डिफरेंट टाइप्स की डेफिनेशन आपको यहां पर मिल जाती हैं और दोनों की दोनों ही बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये आपके पास बहुत ही सिंपल सा हुक्स लॉ है जो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, एंड उम्मीद है कि आपको आज का कंसेप्ट जो है वो सारा का सारा क्लियर हो चुका होगा। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूं, आज हमने क्या क्या बातें डिस्कस की। सबसे पहले नंबर पे हमने डिस्कस किया इलास्टिसिटी को। इलास्टिसिटी की डेफिनेशन के अंदर हमारे पास तीन चीजें थी जिन्हें हमने फर्दर डिस्कस किया, चेंज, डिफॉर्मिंग फोर्स और सीजिस। सीजिस के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि जदोजहद या कोशिश करना या किसी चीज का मुकाबला करना बराबरी के तहत, दिस इज कॉल्ड द सीजिस। और डिफॉर्मिंग फोर्स, हियर इट इज द फोर्स दैट कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो चेंज लेकर आ रही है किसी भी चीज के अंदर, ऐसी फोर्स को हम नाम देते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स का। फोर्स पर यूनिट एरिया पर लगेगी तो स्टूडेंट प्रेशर बनता है, लेकिन हमने यहां पर नाम चेंज किया प्रेशर को, एक नया नाम दिया एंड वी कॉल्ड इट एज प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड द स्ट्रेस। अब स्ट्रेस जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट में चेंजेस लाती है। चेंजेस हमेशा तीन तरह की होती है जो मैंने पहले भी पॉइंट आउट की, साइज शेप या लेंथ की। जैसे ही आपने स्ट्रेस अप्लाई किया ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज आ गया, क्या चेंज आया, साइज शेप या लेंथ का। अब ये चेंज क्यों आया था, क्योंकि स्ट्रेस अप्लाई की गई थी। तो हमने यहां पर क्या किया कि ये जो चेंज था इस चेंज को एक नया नाम दे दिया, जैसे कि प्रेशर को नया नाम दिया था, चेंज का नया नाम आ गया स्ट्रेन। अब हमने ये कहा कि ये चीजों में अगर इस तरह का चेंज आ जाए तो हम उसको नाम देंगे कि ये जो है वो स्ट्रेन है। इसी तरह से फिर हमारे पास एक स्पेसिफिक चेंज था विच इज कॉल्ड द चेंज ऑफ लेंथ एंड इट इज कॉल्ड द टेंसाइल स्ट्रेन। एंड फाइनली हुक्स डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सो ये हमने भी यहां पर डिस्कस कर लिया
अब रहेगी इसकी डेफिनेशन, हुक्स लॉ की डेफिनेशन, और ये बाकी डेफिनेशन स्टूडेंट आपको आपकी बुक के अंदर भी हाईलाइटेड फॉर्म में मिल सकती हैं। असल मकसद हमारा ये होता है कि हम आपको कंसेप्ट जो है वो प्रोवाइड करें कि कंसेप्ट क्या है, आपकी बुक आपको सिखाना क्या चाह रही है, आपको क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। तो उम्मीद है कि आपको आपकी इन्फॉर्मेशन और आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा, आपको आपकी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।